हेलो पायलट्स, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक ड्रोन बिल्ड किया और उसके मोटर्स गलत हो गए? अब आप क्या करेंगे? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मोटर्स को सही कर सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले आपने बेटा फ्लाइट कंट्रोलर को ओपन कर लेना है। बेटा फ्लाइट कंट्रोलर को ओपन करने के बाद अपने ड्रोन को कनेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा ड्रोन कनेक्ट हो चुका है, मैंने ड्रोन में बैटरी सप्लाई कर चुका हूँ। और सबसे पहले कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, तो ड्रोन अपने आप को कैलिब्रेट कर लेगा, ठीक है। और सीधे हम लोग चलते हैं मोटर्स में। मोटर्स में चलने के बाद यहाँ पे लिखा है आई अंडरस्टैंड द रिस्क, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही वन नंबर को मैं घुमा रहा हूँ, तो इस डायग्राम के हिसाब से वन नंबर जो है क्या होना है, क्लॉक वाइज घूमना है। लेकिन यहाँ पे जब मैं चेक कर पा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो मतलब मोटर वन को मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। अभी मोटर टू को इसको हम लोग डाउन करते हैं, मोटर टू को देखते हैं। मोटर टू जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब टू को भी मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। और थ्री को हम लोग देखते हैं, थ्री में क्या हो रहा है, थ्री में इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है मोटर्स में प्रोपेलर कभी नहीं लगाना है। आप ये जब टेस्ट करें तो आप प्रोपेलर्स को जरूर निकाल ले, ठीक है। और चार नंबर को हम लोग देखते हैं, चार नंबर इस डायग्राम के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए और ये कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन टू फोर हम लोग को यहाँ पे चारों को रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आई अंडरस्टैंड द रिस्क को इसको ऑफ कर देते हैं और उसके बाद रीऑर्डर मोटर्स में हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिमूव ऑल प्रोपेलर टू प्रिवेंट इंजुरी, मतलब आप प्रोपेलर्स लगा के मत करिए इस चीज को ना, नहीं तो आपको इंजुरी भी हो सकता है। तो आई अंडरस्टैंड द रिस्क पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, तो आपको देखना है कि आपको कौन सा मोटर इन चारों में से घूम रहा है। तो ये M1 मोटर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला घूम रहा है, तो आपको इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला तीन नंबर वाला, उसके बाद इसको क्लिक करना है और ये चार नंबर, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा मोटर किस साइड में है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको सेव कर लेंगे, तो ये डिसकनेक्ट होकर वापस कनेक्ट हो चुका है। फिर हम लोग चलेंगे मोटर्स में। हमें अभी भी याद रखना है कि हमारा वन टू और फोर रॉन्ग डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मोटर डायरेक्शन में चलेंगे। अब पहले हम लोग रीऑर्डर मोटर्स में गए थे, अभी मोटर डायरेक्शन में हमने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर भी बोल रहा है कि अपने प्रोपेलर्स को निकाल ले, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द रिस्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक हो गया विजेट। विजेट में क्या होगा, रीसेट ऑल मोटर स्पिन डायरेक्शन देन अलाउ द यूजर टू चूज व्हिच रिवर्स, मतलब इसमें आप चारों को एक साथ कर सकते हैं कंट्रोल या फिर इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली तो क्लिक करूंगा, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट हमेशा याद रखिए 1 2 4, ठीक है। तो जैसे ही मैं 1 को क्लिक करूंगा, तो मोटर घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी क्या हो रहा है, डायग्राम के हिसाब से 1 को एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन है, हम यहाँ रिवर्स को क्लिक कर देगा, ठीक है। और अभी हम 1 पे क्लिक करके देखते हैं और ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, मतलब 1 जो है अभी सही हो गया, ठीक है। उसका दो नंबर पे चलते हैं, दो नंबर पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग दो में क्लिक करेंगे घूमना शुरू होगा और ये देख पा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इस डायग्राम के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रिवर्स पे क्लिक करते अभी दो नंबर पे करके देखते हैं, दो नंबर जो है आपका क्लॉकवाइज हो चुका है, तीन नंबर तो सही है। चार नंबर पे चलते हैं, चार नंबर पे ये हो रहा है, चार नंबर पे इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, लेकिन ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे चार नंबर पे क्या करेंगे, रिवर्स पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद चार नंबर पे करके देखते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने चारों चीजों को रिवर्स कर सकते हैं और सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे।
तो अभी हम लोग वापस से चारों को चेक करते हैं, आई अंडरस्टैंड द रिस्क पर क्लिक करेंगे और मास्टर मतलब चारों को एक साथ हम लोग घुमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चारों घूम रहे हैं, अब एक एक करके चेक करते हैं डायग्राम के हिसाब से। वन जो है आपका क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए वन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, दो नंबर जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो दो नंबर को देखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, पर तीन नंबर पे चलते हैं, तीन नंबर जो है एंटी क्लॉकवाइज, और चार नंबर जो हो गया, चार नंबर अभी भी ये क्या हो रहा है, इसको क्लॉकवाइज घूमना था चार नंबर, लेकिन ये अभी भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, मतलब ये रिवर्स नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, मोटर डायरेक्शन में चलेंगे, आई अंडरस्टैंड द रिस्क इंडिविजुअली। चार नंबर का जैसे ही क्लिक करते हैं, ये क्या हो रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इसको क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस बार हम लोग नॉर्मल पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, अभी चार नंबर पे देखेंगे, अभी चल पहले रिवर्स पे किया था, अभी जब नॉर्मल कर रहा हूं तो ये अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, चार नंबर क्लॉकवाइज हो गया, उसका क्लोज कर देंगे। तो एक बार हम लोग फिर से चेक करते हैं, आई अंडरस्टैंड द रिस्क पर क्लिक करेंगे और मास्टर में हम लोग चारों को एक साथ। ठीक है, वन नंबर को देखते हैं, वन नंबर क्लॉकवाइज, चार नंबर क्लॉकवाइज, दो नंबर एंटी क्लॉकवाइज, तीन नंबर एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके मोटर सही हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ड्रोन के मोटर्स को सही कर सकते हैं। आप वापस से उसको सोल्डरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे वायर को हम लोग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आप इस तरीके से अपने मोटर्स को डिवाइस भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसी में आप मोटर डायरेक्शन को इनवर्ड या आउटवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं।